हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अजमोदा के बारे में। दोस्तों, अजमोदा एक साग सब्जी होती है जिसका इस्तेमाल घरों के अंदर किया जाता है। इसे इंग्लिश में सेलरी के नाम से जाना जाता है। यह एक हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं जो कि बहुत सी जगह इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो अजमोदा का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है? अगर आप नहीं जानते हो तो आज मैं आपको अजमोदा के बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक फ़ायदे बताऊँगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के लिए बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न करते हुए जानते हैं अजमोदा के फायदों के बारे में। दोस्तों, अजमोदा का सबसे पहला फायदा होता है मधुमेह की बीमारी के लिए। जो भी इंसान टाइप 2 डायबिटीज से परेशान है उसे अजमोदा का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अजमोदे के चूर्ण का इस्तेमाल गुनगुने पानी के साथ करेगा तो कुछ ही दिनों के अंदर वो मधुमेह पर बहुत जल्दी विजय पा लेगा। दोस्तों, अजमोदे के अंदर ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज को बहुत जल्दी क्योर कर लेते हैं। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप एक बार अजमोदे के चूर्ण का इस्तेमाल करें और आप अपनी साग सब्जी में सेलरी का इस्तेमाल करें। इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसका दूसरा फायदा होता है कैंसर की बीमारी को रोकने के लिए। अगर शरीर के अंदर फ्री रेडिकल सेल बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो कैंसर की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में दोस्तों अजमोदा आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अजमोदा के अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल सेल को बाहर निकाल देते हैं और हमें कैंसर से बचाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक फ़ायदा होता है, यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और शारीरिक ताकत को बढ़ाता है। अजमोदे के चूर्ण का इस्तेमाल करके हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है क्योंकि अजमोदा के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस जैसे सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर मजबूती लाते हैं, साथ ही साथ हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा होता है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे शरीर में काम करता है। इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट तत्व वो तत्व होते हैं जो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। आप अजमोदे के चून का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अजमोदे की साग सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस्तेमाल करें यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, अजमोदे का एक फ़ायदा होता है, वो होता है गठिया रोगियों के लिए, जिनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, नसों के अंदर दिक्कत रहती है, ऐसे लोगों को अजमोदा का इस्तेमाल करना चाहिए। अजमोदे की साग सब्जी का इस्तेमाल करके या उसके चूर्ण का इस्तेमाल करके गठिया को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए अजमोदा बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, मैं आपको उसका एक फ़ायदा और बता देता हूँ। अगर आप अजमोदा का इस्तेमाल एक सप्ताह तक लगातार करते हो तो आपका मन भी खुश रहता है, इससे आपकी शारीरिक ताकत बढ़ती है और आपका परिवार भी खुशहाल रहता है। इसका एक फ़ायदा और बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। अजमोदा के अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है जो हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अजमोदा का इस्तेमाल करके हम दिल की बीमारी जैसे कि हार्ट स्टॉक हो जाना, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना या फिर हार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसमें अजमोदा बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए दोस्तों, आप अजमोदा का इस्तेमाल करें। यह एक हरी साग सब्जी होती है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फायदे देती है। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।